SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नीतीश फिर से एक बार सत्ता में आ चुके हैं, जिस कारण नरेंद्र मोदी जी लाइव हुए हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है, इसके लिए तो वो हकदार है ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की यह प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं इस चुनावों को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए। चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। कुछ चीजें तो हम देश में भूल गए हैं। आपको पता होगा, पहले जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लो, यही खबरें रहती थी। एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग न होना, शांतिपूर्ण मतदान होना, और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, ये सारी आशंकाओं को जहां जहां चुनाव हुआ लोगों ने निरस्त कर दिया। यही तो देश की ताकत है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की अगर कोई आवाज है तो वो भाजपा है। देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए, देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी गरिमा, उनका गौरव सुनिश्चित करने के लिए
जिस पार्टी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो भाजपा है। आर्थिक सुधार हो, कृषि सुधार हो या फिर देश की सुरक्षा, शिक्षा की बात हो, नई व्यवस्थाओं की बात हो या फिर किसानों श्रमिकों का हित, ये भाजपा ही है जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये भरोसा, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसके लिए लोगों का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहले से और ज्यादा सीटें जीतकर सरकार में अपनी वापसी की। बिहार में 3 बार सरकार में रहने के बाद भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसकी सीटों में वृद्धि हुई है। गुजरात में भाजपा 90 के दशक से है और वहां भी इन उपचुनावों में पार्टी ने सभी सीटें जीतकर दिखाई है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने सीटें जोड़ी हैं, जबकि वहां भी हमारी सरकार इतने वर्षों से सत्ता में है। यानी देश के लोग भाजपा को ही बार बार मौका दे रहे हैं, भाजपा पर ही सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। साथियों, भाजपा की सफलता के पीछे उसका गवर्नेंस मॉडल है। जब लोग गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं। भाजपा सरकारों की पहचान ही गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से कैसे स्थितियां बदल जाती हैं, बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करने में इसे मदद मिलती है और ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। जब कोरोना आया तो ये संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा बड़े बड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए थे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई। जनता कर्फ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया, इन चुनाव नतीजों ने उसे भी अपना समर्थन दिया है। कोरोना काल में गरीब को राशन से लेकर रोजगार तक के लिए जिस स्तर पर भारत में प्रयास हुए हैं, ये उसका समर्थन है। कोरोना काल में बचाया गया एक एक जीवन भारत की सफलता की कहानी है। साथियों, मुझे पता है आप लोग और खास करके मीडिया के साथी बार बार सोच रहे होंगे कि मोदी ये लंबा लंबा बोल रहा है, लेकिन बिहार पर भी तो कुछ बोलूं। और ये जो चुनाव में आशीर्वाद मिलते हैं, ये आशीर्वाद हमें अधिक काम करने की ताकत देते हैं, अधिक काम करने की ऊर्जा देते हैं, अधिक काम करने की प्रेरणा देते हैं। और उसी
आशीर्वाद को लेकर के मैं जनता जनार्दन के चरणों में अपना शीश झुका करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं फिर एक बार देश के सभी मतदाताओं को और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे नड्डा जी ने इस कार्यक्रम को विजयोत्सव के बजाय धन्यवाद का कार्यक्रम बनाया, इसलिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि हम जनता जनार्दन के ऋणी हैं, इसलिए हम उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। साथियों, दीपावली एक प्रकार से दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है, खूब धूमधाम से मनाइए। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। कोरोना से भी सतर्क रहिए और एक बात, हम भाजपा वाले सिर्फ करें ऐसा नहीं, देश का हर व्यक्ति करें, और एक दिवाली के लिए नहीं, आने वाले हर समय के लिए। अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर, ये गूंजना चाहिए। हमें लोकल चीजों पर हमारे लोगों का जिसमें पसीना है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है, जिसमें हमारे देश के नौजवान की टैलेंट है, जिसमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज, इस पर हम आग्रही बने, लोकल के लिए आग्रही बने हैं। देखिए, देश में दुनिया के कोई देश कोई हमें दबा नहीं पाएगा दोस्तों, आप मान के चलिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज।